अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज थोड़ा अलग मौजू पर बात करते हैं। सियासी, समाजी, माशी हालात पर अक्सर तबसरा करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर की सोचते सोचते अपने करीब का बहुत कुछ खो रहे हैं। खैर, मौजूदा दौर के वालिदैन बच्चों की कहानियाँ, घरों की कैफियत को जब करीब से देखते हैं तो लगता है कहीं तो हम बहुत कुछ की उम्मीद ख्वाहिश के चक्कर में अतराफ का सब कुछ खोते जा रहे हैं। जिंदगी की रफ्तार इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि हम अपनों को ही भूलने लगे। खासकर एक तस्वीर उमूमन तकरीबन घरों में देख रहे हैं, जिस बच्चे की पैदाइश पर माँ बाप को बेइंतहा खुशी होती है, वक्त के चलते जब बड़ा हो जाता है तो वालिदैन से दूरियां करने लगता है। जब घर में बेटा पैदा होता है तो वैसे भी माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसकी हर अदा को। तो ऐसे कई बाप हैं जो अपने मोबाइल में महफूज कर लेते हैं बरसों तक, उसका रेंगना, उसका धीरे धीरे चलना, मुस्कुराना, फिर तोतली जबान में बोलना, सब कुछ दिल को सुकून इत्मीनान मयसर करता रहता है। कहते हैं बोलने के लिए तो 3 साल में शुरू कर देता है छोटा बच्चा। बोलने के लिए 3 साल लगते हैं, पर कहाँ, कब और क्या बोलना इसको सीखने के लिए सालों साल गुजर जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की उम्र गुजर जाती है लेकिन अच्छा बोल नहीं पाते। लिहाजा बच्चे का बाप ही होता है जो उसे बोलना सिखाता है। बचपन में उसका तोतला बोलना, उसके अल्फाज, उसके जुमले तमाम माँ बाप के लिए लम्हे फख्र रहता है। ऐसा लगता है हमने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया। बाप अपने बच्चे से लम्हे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करता। मजबूरी होती है, गुजारे की खातिर बाप घर से निकल तो जाता है लेकिन उसकी जान अपने बेटे में ही अटकी होती है। आज बेटे का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर हम बेटियों का करते हैं, माँ का करते हैं, लेकिन आज बाप का तस्करा करें। बार बार जब भी वक्त मिलता है वीडियो कॉल के जरिए बेटे से बात करता रहता है और यही उसका सरमाया रहता है। माँ भी अपने बच्चे की उन हरकतों को देखते देखते अपने कामों को मुकम्मल करती रहती है। वक्त गुजरता जाता है, बच्चा बड़ा होने लगता है और पता नहीं बाप बेटे के दरमियान एक ना दिखने वाली दीवार से महसूस होने लगती है। जब बाप घर में आता है तो बेटा अपने कमरे में जाता है, बाप कमरे में आ जाता है तो बेटा बाहर निकल जाता है। हो सकता है कि दोनों में बेइंतहा मोहब्बत अंदर हो, लेकिन क्या बात है कि अब बाप बेटा मिलना नहीं चाहते। सुबह शाम अपना पसीना बहाकर पूरा दिन घर से बाहर रहकर अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो बाप घिसता रहता है, तपती धूप में अपने आप को खपाता रहता है। जो बेटा जब छोटा था बाप के आने का इंतजार करता था, उसकी मोटरसाइकिल की आवाज को दूर ही से पहचान कर दौड़ कर आता, बाप की भी आंखें उसे देखने के लिए तरसती रहती। एक अजीब सा प्यार बाप बेटे में रहा करता था। क्या हो जाता है कि बूढ़ा होने के बाद बेटे का कद बाप से भी ऊंचा हो जाता, तो फिर ये दीवारें, दूरियां कहां से आ जाती हैं? क्या अब बाप से गले मिलने के लिए ईद ही का इंतजार करना पड़ेगा? कहते हैं बाप खुद दरख्त के मानिंद धूप में तो जलता रहता है और औलाद को साया देता है। आज घर में दाखिल होते ही बाहर निकल जाने लगता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाप का हाथ पकड़ना सीखो, उम्र भर किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं होती। फिर ऐसा वक्त भी आने लगता है जिस बाप ने बोलना सिखाया था, अब उस बाप का बोलना भी अच्छा नहीं लगने लगता। बहुत कम घर होंगे जहां अपने वालिद की इज्जत होती होगी, क्योंकि जब उम्र ढलने लगती है तो बाप की हरकतें भी अच्छी नहीं लगने लगती। हमने ऐसे कईयों को देखा है कि बाप की बातों को किस तरह नजरअंदाज किया जाता है, और खासकर उन लोगों के भी जहां अपने आप को दीनदार कहा जाता है। अब तेज रफ्तार जिंदगी में बाप के धीरे धीरे उठने वाले कदमों की अहमियत कहां रहती है? वैसे अब दीनदारी भी ढोंग हो चुका है, नसीहत तो महज दूसरों के लिए होती है, और ये तमाम बातें हमारे नबी ने पहले ही बताई है। और खुश नसीब है वो शख्स जो अपने बूढ़े वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत को अंजाम ना दे। अब तो बुढ़ापा जवाब देने लगा है, वालिद जिसने दुनिया दिखाई अब बोझ लगने लगा है। कहां बाहर अपने बीवी बच्चों के साथ पिकनिक, शादी ब्याह, तकरीबात में जाने के लिए बाप रुकावट नजर आने लगा है। पहले अब्बा अब्बू कहने वाला बेटा बुड्ढा कहने लगता है, फिर अपनी बीवी की आंखें भी बहुत कुछ बयान करती रहती है। इस्लाम में बाप का मर्तबा बहुत बड़ा बयान किया गया। मेरे नबी ने फरमाया कि हलाक हुआ वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत नहीं की। बात और आगे बढ़ चुकी है, अब तो बेटों ने फैसला लिया है कि कुछ दिन
बड़े बेटे के पास और कुछ दिन छोटे बेटे के पास रहे। 10 बच्चों की परवरिश करने वाला बाप आज बुढ़ापे पर पहुंचकर 10 बच्चों के लिए वबाले जान बन गया। आखिर इसे मौत क्यों नहीं आती तक के जुमले खुद अपने बच्चे कहते हैं कि फरियाद जमातों में देखने को मिल रही है। जिस बच्चे को कुछ लम्हे दूर होने पर बेचैन होने वाला बाप आज बूढ़ा हो चुका है, अनजान की तरह लगने लगा है। एक जिंदा लाश बनकर घर की चारपाई पर लेटा अधमरा जिस्म कहीं तो खुशियों में रोड़ा लगने लगा है। वाकई बुढ़ापा इम्तिहान लेता है, जैसे जिंदगी थम सी गई हो, बिल्कुल फिल्मों में दिखाए स्लो मोशन की तरह। कैसे एक सफर जिंदगी का भी तय किया जाता है, फिर मौत, फिर कुछ दिन तस्करा, फिर इसी तरह बेटे की जिंदगी भी। एक फर्क जरूर इस समाज में माशरे में देखने मिल रहा है, जिंदगी की रफ्तार तेज हो चुकी है, एहसास कहीं तो खत्म हो रहा है, दर्द जज्बात महज अल्फाज रह गए। सामने नजर आने वाला हर चेहरा पीछे कई चेहरों में छिपा नजर आ रहा है, और जब जिंदगी की रफ्तार ही इतनी तेज हो चुकी हो तो फिर इस तरह बदलते चेहरे भी अक्सर पाए जाने लगे। बाप का मुकाम फिर भी वही है, लेकिन बाप के मर्तबे, उसके रुतबे, उसकी अहमियत को समझने वाले बेटे धीरे धीरे जमीन पर कम होने लगे। बाप जब शाम घर आता था तो बेटा दरवाजे के पीछे छिप जाता था, खुशी के लम्हे महज यादें बनकर रहती है। बुढ़ापा कभी कभी मौत मांगने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह है। फिर रस्म बाकी रहती है, कभी जुमा कभी शबे बारात में बाप को याद किया जाता है। आखिर में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, देर से आने पर खफा था, आखिर मान गया, आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।